और राजधानी लखनऊ में कल 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनेश्वर मिश्र पार्क में महानाट्य जाणता राजा का मंचन किया जाएगा। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा आयोजित नाट्य में शिवाजी के विभिन्न संस्मरणों का मंचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और कार्यक्रम के समापन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। लखनऊ में जाणता राजा का मंचन किया जाएगा। हमारे साथ आशीष जी हैं, जानते हैं कितना कुछ खास है ये मंचन, क्या कुछ खास रहेगा ये। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो सेवा साधना के 27 वर्ष उसके हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज के 350वां वर्ष है। इन दोनों कामों को जोड़ करके हम देश को संदेश देना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन जो आज का भारत है, जिसकी फाउंडेशन 350 साल पहले रखी, वही उसका स्वरूप संपूर्ण विश्व में है, जिसकी छाया में संपूर्ण विश्व आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा उसकी आधारशिला शिवाजी के द्वारा, इसलिए इस इतिहास को लोग जाने माने समझें। आज किताब पढ़ने वाले लोग कम है, लेकिन जब जीवंत देख रहे हैं इसमें, जहाँ जिसमें हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, पालकी भी है, सेना भी है, बैलगाड़ियां भी हैं, तोप भी हैं, और देश के 350 से ज़्यादा इसमें आर्टिस्ट भाग लेते हैं, जीवंत जब देखते हैं तो लोग संस्कार मिलता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी रामचरित मानस के साथ में रामलीला शुरू की, तब संस्कार मिला। हम सबको विरासत को जानना हमारे भविष्य के निर्माण के लिए कितना जरूरी होता है, हमारी पीढ़ी को इसको जानवाना कितना अहम है। आपका ये प्रश्न अच्छा है, कितना नहीं माने विरासत को जानना अनिवार्य है। नहीं तो जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ अगर सड़ गई, घुन गई, तो एक माने आंधी तूफान में गिर जाएगी। विरासत अगर मजबूत है अनंत काल तक चलती है, इसलिए इसका काम यही है कि नाट्य के साथ विरासत को हम जागृत करें, विरासत को समझाएं, विरासत को लोग जाने और उससे जुड़ें और उसके आधार पर लोग आचरण व्यवहार करें। इसलिए हम लोगों ने देश भर में गए हैं, प्रदेश में 50 जिलों में गए हैं। छत्रपति शिवाजी का जीवन कुछ पंक्तियों में था, पंक्तियों में, चित्र भी किताब में नहीं था। आज चित्र भी है और चरित्र भी है, पूरा पाठ भी है। लेकिन इस कारण से हम लोग कई देश की यूनिवर्सिटी में गए हैं, कॉलेज में गए, बड़े इंस्टीट्यूशन में गए हैं कि लोग छात्रों को संबोधित किया है, निवेदन किया है, कॉलेज मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को, कुलपतियों को कहा है कि अपने छात्रों को दिखाइए। बड़ी मात्रा में स्वीकृति प्राप्त हुई, मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में रोज प्रदेश के छात्र छात्राएं देखने के लिए इसको मैंने